खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष पद से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। दरअसल एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो कांग्रेस पार्टी ने अपने चिंतन शिविर में फैसला किया था, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत उसको मानते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में दावेदार हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। बीते दिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। स्पर्श, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो राजस्थान में चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था, उसके तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ इस दौरान उनकी ओर से कहा गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने नॉमिनेशन भरा था कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, तभी ये माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एलओपी के पद से इस्तीफा देते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि राजस्थान में रेजिग्नेशन पास किया गया था एक व्यक्ति एक पद का, और जिसको लेकर देखा था कि राजस्थान की राजनीति में जो खींचतान है वो देखने को मिली जब अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद को लेकर आगे चल रहा था। ऐसे में अब जो इस्तीफा है वो एलओपी पद से जो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तरफ से दे दिया गया, और अपना इस्तीफा जो है फिलहाल उन्होंने सोनिया गांधी को जो है सौंप दिया है। अब ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सीधे तौर पर जो है वो जीतते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि एक तरीके से जो तमाम वोट हैं जो प्रस्तावक उनके पक्ष आए थे वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि अलग अलग देश के राज्यों से जो है मिलते हुए नजर आए थे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर की मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्योंकि सबसे आगे चल रहा है उनका। अब चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा सौंप ही दिया है, तो और ऐसे कौन से नेताओं के नाम चल रहे हैं जो राज्यसभा में अब नेता विपक्ष का पद संभालेंगे? और देखिए, राज्यसभा में कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पास जो नेता विपक्ष का पद जो है संभालते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब दिग्विजय सिंह की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, या फिर अन्य बड़े चेहरों की बात करें, तो वो जो है राज्यसभा में जो है जो एलओपी का पद है वो संभालते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि औपचारिक रूप से क्या फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाता है इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से एलओपी की तरफ से इस्तीफा जो है वो दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, तो ऐसे में आप अध्यक्ष पद के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार हैं, और वहीं इसकी दूसरी तरफ कौन जो है दावेदारी जो है निकलता हुआ जो है नजर आएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, तो बड़ी और अहम जानकारी से दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे ने सौंप दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था चिंतन शिविर में, उसके तहत ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि दरअसल राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसके पीछे भी यही सिद्धांत कहीं ना कहीं सामने आया था।